गुस्ताखे रसूल पर कार्रवाई को लेकर क्यों हुए फसाद? क्या प्रोटेस्ट कर रहे मुसलमानों की गलती या पुलिस की या सरकार की? ऐसे बहुत सारे सवालों के साथ देखिए मेरे साथ हक की आवाज। हमारा भारत एक जमहूरी मुल्क है और यहाँ सबको अपने हक के लिए आवाज उठाने का हक है। हमारे देश के संविधान ने दिया है, ना के किसी मौलवी ने, ना के किसी पंडित ने, मगर ये हक शांति से बिना किसी तरह के हथियार उठाए हम अपनी बात रख सकते हैं, चाहे आपको पुलिस परमिशन दे या ना दे। आप शांति से बिना किसी फसाद के आपको पूरा हक है अपनी बात रखने का। और इस्लाम मज़हब में भी यही शिक्षा दी जाती है कि आप अपनी बात शांति से रखें, ना के फसादी बनकर। अब बात घूम फिर कर वहीं आती है, तो फिर मुसलमानों ने झारखंड की रांची में फसाद क्यों किया? क्यों अपने हाथों में पत्थर थामे? क्यों पुलिस पर हमला किया? क्यों गाड़ियों को तोड़ा? क्यों आग लगाया? जिन लोगों ने भी पत्थर उठाए, गाड़ियों को तोड़ा, गाड़ियों को आग लगाई, वो इसके जिम्मेदार हैं। इन्होंने कानून अपने हाथों में लिया है, इन पर तो कार्रवाई होना भी चाहिए और कानून अपना काम भी कर रहा है। बस पुलिस से यही उम्मीद है कि बेगुनाहों को ना फंसाएं। एक सवाल यहाँ ये भी पैदा होता है, ऐसा क्या हुआ जो भीड़ बेकाबू हुई? और क्यों इनमें से कुछ लोगों ने पत्थर फेंकना शुरू किया? क्यों पुलिस पर पत्थर फेंके गए? क्या इनमें कुछ लोग घुस गए थे जो चाहते थे कि फसाद हो? इसकी भी जांच होनी चाहिए और पुलिस के एक्शन पर भी जांच होनी चाहिए। क्यों पुलिस ने सीधे गोलियां दागना शुरू किया, जबकि ऐसे मौके पर पुलिस आंसू गैस या पानी की बोछार या रबर की गोलियां का इस्तेमाल करती है, मगर यहाँ पर रबर की गोलियों का इस्तेमाल करने के बजाय पुलिस ने असली गोलियों का इस्तेमाल किया। इस पर भी जांच होनी चाहिए। और सोचने वाली बात यह है कि जब भी फसाद होते हैं तो इतने सारे पत्थर कहाँ से आ जाते हैं, और रास्तों पर तो छोड़िए छतों से आते हैं, तो कैसे छतों पर भी इतने होते हैं, इस पर भी जांच होनी चाहिए। आखिर फसाद होते क्यों हैं? तो इसमें हमारी सरकार ही जिम्मेदार है। हाथों में खतरनाक हथियार लेकर रैलियां निकालते हैं तो भी सरकार उस पर एक्शन नहीं लेती। अगर सरकारें एक्शन लेने लगी और इन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजेगी तो कोई भी किसी भी धर्म या किसी भी धर्म के महात्माओं के खिलाफ बात करने की हिम्मत भी नहीं कर पाएगा, और ना ही खतरनाक हथियार लेकर रास्तों में आएंगे, और ना ही लोगों को इनके खिलाफ रास्तों पे आना पड़ेगा, और ना ही फसाद होंगे, और ना ही बेगुनाह लोग जेल जाएंगे। ये देश की हर सरकार की कहीं नाकामी है। अगर मुसलमानों को या देश के उन नागरिकों को जो देश में अमन शांति चाहते हैं, तो आपको एक ऐसा प्रोटेस्ट करना होगा जो बिना रास्तों में आए एक जगह बैठकर सरकार से एक ही अपील, जो भी किसी धर्म के खिलाफ जहर उगलता है, चाहे वो आम आदमी हो या बड़ा नेता ही क्यों ना हो, या वो लोग जो हाथों में हथियार लेकर नाचते हुए रैलियों के जरिए हथियार लेकर रास्तों में आते हैं, इन सब पर सख्त से सख्त धाराएं डालकर इन्हें सीधे जेल भेज देना चाहिए। और इसके लिए पुलिस किसी के कंप्लेंट देने का इंतज़ार ना करे, बल्कि खुद इन पर सो मोटो कर सकती है, यानी स्वयं प्रीत इन पर कार्रवाई कर सकती है, और वो करे। अगर ऐसा होना शुरू होता है तो इस देश में सच में शांति आ जाएगी और नफरत फैलाने वालों की दुकानें खुद ब खुद बंद हो जाएंगी। तो देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन।